रेडिएशन इंसुलेशन कंसेप्ट। यह लेक्चर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें हम जो एटमॉस्फेयर वाला कंसेप्ट, एटमॉस्फेयर वाली जो सेक्शन है उसमें से इसको लिया गया है। तो इस वीडियो में या इस लेक्चर में ये जानने की कोशिश की जाएगी कि रेडिएशन क्या है, इंसुलेशन क्या है, कैसे जो है रेडिएशन को डिफाइन किया जाता है, रेडिएशन से हमारा क्या तात्पर्य है, इन सब पर जो है इस पर चर्चा होगी। रेडिएशन, रेडिएशन क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, अगर उस रूप में एनर्जी का जब ट्रांसफर होता है तो वो रेडिएशन कहलाती है। इसमें नो ट्रांसफर ऑफ मैटर, मैटर के जरिए नहीं होती, नो मटेरियल मीडियम, इसके लिए कोई मीडियम भी की भी जरूरत नहीं होती, ये एक वेव के रूप में जो है वो मूव करती है। जब इस तरह से रेडिएशन मिलता है या ये जो प्रक्रिया है एनर्जी के ट्रांसफर होने की, इसको हम जो है रेडिएशन कहते हैं। क्लासिफाइंग रेडिएशन, रेडिएशन को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वेवलेंथ, जो रेडिएशन है उसको हम वेवलेंथ के ऊपर जो है क्लासिफाई करते हैं, या उसका जो आधार है वो हमारा वेवलेंथ है। और इसको वेवलेंथ को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो लैम्डा के जरिए। हमारे पास इस पिक्चर में या इस स्लाइड में तीन वेवलेंथ्स के उदाहरण हैं। एक इस तरह की वेवलेंथ है या इस तरह की वेव है, ये इस साइड। तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा वेव का होता है उसे क्रेस्ट बोलते हैं और ये वाला ट्रफ बोलते हैं। तो इधर वेव की अगर इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट की दूरी देखी जाए तो ये वेवलेंथ है जो कि अधिक है, ये वाली जो है वो वेवलेंथ कम है। इसमें देखें तो ये सब क्या है, छोटी है। तो इस तरह से हम इस वेव के लेंथ के बेसिस पर हम इसे कह सकते हैं शॉर्टर वेव और लॉन्ग वेव लेंथ वाली जो है रेडिएशन। अब इस स्लाइड में हम देखते हैं वेवलेंथ के आधार पर कैसे जो चीजें हैं, जो रेस हैं या जो वेव्स हैं, वो हमें जो उन चीजों से हम क्या जो हमारे गैजेट्स हैं या जो हमारे आधुनिक उपकरण है वो कैसे काम करते हैं। जैसे लॉन्ग वेवलेंथ जो है ये वाली लॉन्ग वेवलेंथ, इसमें लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी, शॉर्ट वेवलेंथ में हाई फ्रीक्वेंसी और हाई एनर्जी होती है। ये जो वेवलेंथ है ये गामा रेज कहलाती है, थोड़ा सा वेवलेंथ और बड़ा ये एक्स रेज हुई, फिर और बड़ा ये अल्ट्रा वायलेट रेज हुई, फिर ये और बड़ा इंफ्रारेड हुई, ये वाली वेवलेंथ माइक्रोवेव्स, ये वाली टीवी वाली, ये शॉर्ट वेव्स और ये रेडियो वेव्स। तो इस तरह से अगर आप देखें इन सब का जो वेव का जो वेवलेंथ है उसके आधार पर हम इन चीजों को जो है गैजेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब प्रश्न उठते हैं सोलर रेडिएशन क्या है? सन टू अर्थ यानी जो सोलर रेडिएशन हमें प्राप्त होता है वो सन से धरती पर आता है, जो इसकी स्पीड है वो 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड है, डिस्टेंस जो है अर्थ से वो 150 मिलियन किलोमीटर है, और ये जो रेडिएशन है यानी जो एनर्जी है सन की जो धरती पर पहुंचती है वो 8.3 मिनट के लगभग जो है हमें प्राप्त होती है। यानी ऊपर से सन से धरती पर आई जो एनर्जी है या जो वेव है, जो रेडिएशन है वो हमें 8.3 मिनट में पहुंचती है। अब ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसको हमने पिछली स्लाइड में यानी जो लास्ट वाली स्लाइड थी उसमें हमने डिस्कस किया था फिजिबल फीचर के बीच में, कि ये जो वेवलेंथ है हम इसको नापने का हमारे पास म्यू एक होता है, माइक्रोन्स में हम इसको नापते हैं। तो ये वाला पोर्शन गामा रेज का रहता है यानी 10^14, ये एक्स रे है, ये अल्ट्रा वायलेट है, ये इंफ्रारेड है, ये माइक्रोवेव है, ये रेडियो वेव्स है। तो इन सब की हमारे पास क्या है, यूनिट दी हुई है, और जो 10^-6 है ये एक हमारे पास अल्ट्रा वायलेट जो रेज है जिसे कहें कि जो हमारे पास कलर का जो
स्पेक्ट्रम बनता है, जिसमें रेड ब्लू ये जिसे हम प्रिज्म में भी देखते हैं, ये हमें यहाँ विजिबल होता है। तो ये जो पोर्शन है सारे का सारा, जो जो भी कलर्स का सिस्टम है, वो हमें इस विजिबल लाइट के अंदर प्राप्त होता है। फिर है स्कैटरिंग। स्कैटरिंग क्या होता है? स्कैटरिंग होता है डिफ्यूज रेडिएशन, यानी चीजें आई फिर वो स्कैटर हो गई, यानी बिखर गई। फिर कुछ चीजें जो है, जैसे रेज ने नीचे आई, वो बाउंस ऊपर वापस चली गई, वो एल्बिडो कहलाती है। तो स्कैटरिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जो रेडिएशन हमें प्राप्त हो रहा है, उससे बिखरने की जो प्रक्रिया है, उसे हम स्कैटरिंग बोलते हैं। फिर है हमारे पास रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है कि रेडिएशन आया और वो हिट करके वापस परिवर्तित हो गया, एनर्जी इज बाउंस डायरेक्टली बैक आउट टू द स्पेस, यानी इससे जो कोई भी चीज हमें मिली है, एनर्जी मिली है, वो वापस ऊपर चली गई है या वो वापस टकरा कर चली गई। इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तीसरा हमारे पास है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द सरफेस, यानी एटमॉस्फेयर और द सरफेस कि भी सरफेस या एटमॉस्फेयर के द्वारा जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है। कैसे, क्या क्या एब्जॉर्ब की जाती है? ओजोन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, लिक्विड वाटर, क्लाउड्स, ये सब क्या है? एब्जॉर्ब कर लिए। रिफ्रेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन बाय वेवलेंथ इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। रिफ्रेक्शन में क्या होता है कि अगर मीडियम बदलता है तो जो हमें वास्तविक चीज है वो अलग हटके नजर आती है। जैसे यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, ये मछली की अगर हम एग्जांपल से बात करें, ये अपेरेंट जो उसकी पोजीशन मछली की है, ये उसकी एक्चुअल पोजीशन। तो जो ऑब्जर्वर है, जो उसको एक्चुअल पोजीशन थी उसकी बजाय उसको अपेरेंट पोजीशन जो है वो नजर आती है। तो जब इस तरह से कोई मीडियम बदलता है तब जो चीज़ है वो हमारी क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन कहलाते। जैसे आपका प्रिज्म है, प्रिज्म में से एक तरफ से लाइट जाती है तो दूसरी तरफ जब देखते हैं तो ये सात रंग हमें नजर आते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो कहलाती है वो किसकी कहलाती है? वो रिफ्रेक्शन कहलाती है। ये रिफ्रेक्शन का ही एक एग्जांपल है। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन बाय वेवलेंथ इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम। तो जो पिछली स्लाइड में हमने बात किया उसी चीज को यहां दिखाया।